देख पा रहे हैं पोको C3 फ़ोन है जिसमें चार्जिंग की दिक्कत है। कस्टमर का कहना है कि इसमें चार्जिंग की दिक्कत है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये मतलब 2-3 घंटे चार्ज में लगाने के बाद भी ये चार्ज जो है वो नहीं उठा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसमें चार्ज में लगाने के बाद भी कोई चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। जैसा कि चार्ज का पॉइंट निकाल रहे हैं तो इसमें चार्जिंग का प्लगिंग दिखा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें या तो पिन की प्रॉब्लम हो या बैटरी डिस्चार्ज हो गया हो या चार्जिंग का सप्लाई सही से नहीं जा रही है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि काफ़ी देर लगाने के बाद भी जो है चार्जिंग का पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, ना तो सप्लाई दिखा रहा है, जैसा कि हमने केबल लगा दिया है। और एक मिनट देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं 5-6 सेकंड तो हो गया, लेकिन इसमें ना तो कोई सिंबल आया है और ना ही चार्जिंग पॉइंट मतलब शो कर रहा है। और जैसे ही इस पिन को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, वैसे ही एक सिंबल दिखाता है। इसका मतलब इसका पिन का कनेक्टिविटी जो है VCC बैटरी से और चार्जिंग के IC से है सप्लाई का, लेकिन इसमें पूरी तरह करेंट नहीं जा पा रही है, जिसके कारण हो सकता है कि यह चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसे डेड नहीं कहेंगे, इसमें चार्जिंग की सप्लाई की दिक्कत है। देखते हैं तो इसको ओपन कर लेते हैं फोन को। ये दोस्तों खोलने का एक ट्रिक है। यहाँ से क्या होता है कि पकड़ नहीं होता है उतना बॉडी में, तो आप यहाँ से पहले आराम से खोलें, फिर यहाँ से आप तेज भी प्रेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आराम से स्मूथली खुल जाएगा। ये देखिए स्मूथली ये खुल गया। इसका कवर काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन ये स्मूथली खुल गया है। इसके पेज खोल लेते हैं। तब तक मैं पेज खोलता मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देख पा रहे हैं ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। हम इस चार्जिंग पत्ता बोर्ड को रिमूव कर लेंगे और इसमें सबसे पहले इसकी सप्लाई चेक करेंगे। इसमें 5 वोल्ट की करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। मीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये 5 वोल्ट से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारा पिन जो है बिल्कुल सही है। अब हमें आगे इसके ये जो पोको C3 है इसमें डिस्प्ले के पत्ते में ही इसकी चार्जिंग MIC और स्पीकर वगैरह के जितनी भी यहाँ की सप्लाई है सब इसी पत्ते में है, तो हमें इसे भी ओपन करके चेक करना होगा। तो वीडियो लंबी बन जाएगी तो मैं पॉज कर देता हूँ। ये ओपन कर लिया हमें। अब हमें क्या करना है, ये बोर्ड जो है चार्जिंग बोर्ड ये तो हमारा बिल्कुल सही है, हमें चेक करना है कि ये इस पत्ते पे जो है हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पत्ते को रिमूव कर लेते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं ये पत्ते को। आप देख पा रहे हैं इसकी जो ये मोटी दोनों सप्लाई है, मतलब ये आपका कनेक्टर है, कनेक्टर में ये जो पिन सब बारीक है, इसमें दो साइड में मोटे पिन होंगे जैसे देख पा रहे हैं आप। तो इसमें मोटे पिन में आपको लगाना है, इस बारीक पिन में नहीं लगाना है। देखिए मोटर पिन में लगाने पे यहाँ कोई सप्लाई नहीं बन पा रही, यहाँ बन रही है सप्लाई। जैसा कि देख रहे हैं आप इसमें 5.11 बन रहा है, मतलब जो हमारे चार्जिंग पॉइंट पे सप्लाई वही सेम सप्लाई यहाँ पे है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये पत्ता भी बिल्कुल ओके है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम इस पत्ते को मेन बोर्ड में लगा देते हैं और बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई
कितनी आ रही है। तो आप एक सिरा, कोई सा भी सिरा को आप ग्राउंड में एक रखेंगे और एक बैटरी के प्लस पॉइंट पर रखेंगे। ये देखिए, ये हमारी चार्जिंग आईसी जो है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 4.41 जो है करंट दे रही है, तो इससे हमारी बैटरी तो चार्ज हो ही जाएगी, क्योंकि बैटरी जो होती है उसकी कैपेसिटी 3.85 है, 4 पॉइंट है तो चार्ज हो जाना चाहिए। तो अब हमें तो हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड और चार्जिंग बोर्ड दोनों ही सही है, तो हम अब में इसमें प्रॉब्लम क्या है बाकी रह गया वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें बैटरी रह गई, अब हम चेक करेंगे कि बैटरी का जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है। कभी कभार बैटरी भी अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो वो प्रिंट नहीं खाते, तो जैसा कि देखिए सच में बैटरी डिस्चार्ज है, क्योंकि ये 294 ही आ रहा है, जबकि बैटरी की कैपेसिटी हमारी 3.85 है, तो इसमें कम से कम 3.20 तक होना चाहिए, 30 तक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल 2.95 है, वोल्टेज जो है वो 2.94 है, तो ये चार्ज बैटरी इसीलिए मोबाइल के लिए चार्ज नहीं खा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, झटका देना होगा, मैं बैटरी झटका दे रहा हूँ, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों, झटका देने से पहले एक बात मैं आपको कहना भूल गया, झटका देने के लिए वोल्टेज 12 वोल्ट का होना चाहिए, 12 वोल्ट से आप ज़्यादा का ना दें। देखिए, हमने इस मतलब बैटरी में झटका दे दिया है, और अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, तो देखिए 3.46 हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये चार्ज उठाता है कि नहीं उठाता है, तब इस कनेक्टर को हम लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक ही बार लगाने पे ही सिंबल भी आ गया है, और देखते हैं चार्ज उठाता है कि नहीं उठाता, क्योंकि हम इससे पहले जब भी इसमें चार्जिंग प्लगिंग करते थे तो चार्जर को प्लग करते थे तो ये चार्ज सिंबल नहीं दिखाता था, जब निकालते थे तो दिखाता था, और कस्टमर का कहना भी था कि ये एक दो घंटे तीन घंटे लगाने के बाद भी मतलब कोई चार्ज पॉइंट नहीं बढ़ रहा था। तो हम देखते हैं पॉइंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो एक मिनट हम रुक जाते हैं। जैसा कि हमने प्लगिंग किया, चार्जिंग तो शो कर रहा था, चार्ज होता है या नहीं होता है, या परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वो हम देखते हैं। हम एक दो पेंच जो है लगा देते हैं, ये हमने पेच इसलिए लगा दिया है क्योंकि हमें चेक करने में ये बोर्ड जो है ये हिले डुले ना, क्योंकि ये सही से फिर चार्ज नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप हम सही से चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने लगा दिया है दो पेच, और अब हम चेक करेंगे।
जैसा कि अब हम बटन क्लिक भी कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये सिंबल जा नहीं रहा है। पहले ये सिंबल चला जाता था, चार्जिंग प्लग करने के बाद ही आता था। अभी वैसा कि देख पा रहे हैं ये नहीं आ रहा है, ये स्विच प्लगिंग करने के बाद भी ये सिंबल रह रहा है। तो हो सकता है कि ये चार्ज फ़ोन उठा लेगा, तो अब वीडियो को पॉज करके चार्ज जब ये उठा लेता है तो फिर इसे चालू करता हूँ, तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। वीडियो बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम लेता है, तो देख लेते हैं ये कितना टाइम लेता है। काफ़ी 1-2 मिनट हो गया है चार्जिंग लगाए हैं, तो देखते हैं कि ये चार्ज 1% भी हुआ कि नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, ये चार्ज जो है वो नहीं हुआ है, ताकि हमने तो बिल्कुल पूरी सप्लाई चेक की थी, सारी सही है, बैटरी कनेक्टर वगैरह भी सही है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी बनी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को एक वीडियो के अंदर पूरा ठीक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कभी 1 घंटे भी लग जाता है, कभी आधे घंटे भी लगता है, कभी 10 मिनट भी लगता है, और कभी 5 मिनट भी लगता है। तो इसमें मुझे लगता है क्योंकि हमने तो आपको सारी सप्लाई चेक करके दिखा दी है, इसमें सारी सप्लाई ओके है, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा, जैसा कस्टमर बताता था वैसे ही हो गया। ये 1 मिनट 2 मिनट चार्ज में लगाया, फिर ये